हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया की एक ऐसी स्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत से संघर्षों का सामना किया लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर डांसर और खूबसूरती की मिसाल किन्नर तलाश जान की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से अपने चाहने वालों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। कोई शहर था जिसकी एक गली मेरी हर आहट पहचानती थी, मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको जानती थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तलाश जान की लाइफ स्टोरी से लेकर सोशल मीडिया तक के सफर के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको तलाश जान के संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी स्टोरी बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तलाश जान का जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जंग गांव में एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। तलाश के पापा का नाम रशीद खान है और वो एक साइकिल की दुकान चलाया करते हैं और इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। तलाश जब पैदा हुई थी तब इनके घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन जब सबको पता चला कि तलाश ना तो लड़का है ना ही लड़की है तो सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन तलाश के घर वालों ने सोचा कि चलो ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे कि तलाश एक किन्नर है। इसीलिए तलाश के घर वाले ना तो तलाश को बाहर जाने देते थे ना ही स्कूल जाने देते थे, लेकिन फिर भी तलाश ने किसी तरह इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। लेकिन फिर पता नहीं कैसे तलाश के गांव वालों को ये बात पता चल गई कि तलाश एक किन्नर है। फिर इनके गांव वालों ने ये बात किन्नरों के समुदाय को बता दिया और फिर वो लोग तलाश को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। लेकिन तलाश के घर वाले तलाश को नहीं जाने दिया और न ही तलाश अपने घर वालों को छोड़कर जाना ही चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद गाँव वालों और रिश्तेदारों के तानों से परेशान होकर तलाश को खुद ही किन्नरों के समुदाय में जाना पड़ा। जब ये किन्नरों के समुदाय में रहने लगी तो किन्नरों ने इन्हें डांस की ट्रेनिंग दी और इन्हें छोटे मोटे शादी विवाह और डांस प्रोग्रामों में ले जाते थे। और धीरे धीरे तलाश ने भी किन्नरों के बहुत से तौर तरीके सीख लिए थे और इसी बीच इन्होंने मौत के कुएं में भी शो करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ इनको पैसे तो बहुत मिलते थे लेकिन ये काम इनको बहुत रिस्क लगा, इसीलिए इन्होंने ये काम छोड़ दिया। फिर तलाश ने शादियों में डांस करना शुरू कर दिया। पंजाब के जंग में एक शादी में किए गए डांस में एक लड़के ने इनका एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं लाखों करोड़ों लोगों को तलाश जान और तलाश जान का डांस वाला वीडियो खूब पसंद आया। फिर तलाश ने सोचा कि जब लोग मुझे इतना ज्यादा जानने ही लगे हैं तो क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालूं। और फिर तलाश ने भी टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वहीं तलाश को तो लोग पहले से ही जानते थे लेकिन जब इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो लोगों ने इनकी खूबसूरती और डांस को खूब पसंद किया और थोड़े ही समय में तलाश ने अपनी खूबसूरती से सोशल मीडिया की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसके लोग सपने देखा करते हैं। और आज तलाश का खुद का फैसलाबाद में एक आलीशान घर है और अब तलाश को बड़ी बड़ी शादियों में डांस करने के लिए बुलाया जाता है। और आज तलाश को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुबई और इंडिया में भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और आज तलाश अपनी जिंदगी में बहुत खुश नजर आ रही है और वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अमीर किन्नर मानी जाती है। तो दोस्तों, ये है तलाश जान की कहानी। हमारे समाज में लोग किन्नरों की दुआएं तो सब लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई वो सम्मान नहीं देना चाहता जो वो पाना चाहती है। तो आपको कैसी लगी तलाश जान की संघर्ष से सफलता तक की कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको तलाश जान की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।